भाव साम्राज्य की कथा है, संतों के मुख से सुनी हुई भगवान की कथा आनंद प्रदान करने के लिए होती है। और जब बुढ़िया के पेट में गयो तो बुढ़िया बोली, ऐसो आनंद हमने कबू नहीं देखो, न ऐसो दिव्य लाला देखो, न ऐसो दिव्य उत्सव देखो, और की तो बात छोड़ो, द्वार के बाहर उठाड़े रहे हो तो भूखो नहीं रहे हो, ऐसो माखन को लो ना, घर बैठे बाहर बैठे मिल जा, बड़ो आनंद आ। तो बाबा के घर में यूं ही बधाई है रही है, बड़ो ही आनंद आ रहा है। देन चहे करतार जिने सुख सो तो रहीम टरे नहीं टारे, उद्यम पौरुष किए बिना धन आवत आप ही हाथ पसारे। देव हसे सब आपस में विदके परपंच न जात बिचारे, बेटा भयो वसुदेव के धाम में दुंदुमी बाजी आनंद के द्वारे, बेटा भयो वसुदेव के धाम और दुंदुमी बाजी आनंद के द्वारे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से, ऐसो आनंद आ रहा है। नंद बाबा गए मथुरा कंस को कर चुकावे के लिए, विलंब है जाएगो तो वो आतताई रुष्ट है जावेगो। सुखदेव जी कहें, नंद बाबा कंस को कर चुकावे के लिए मथुरा गए, और जब मथुरा गए तो उनको अपने मित्र वसुदेव की याद आई और अपने मित्र के समीप पहुंच गए। वसुदेव जी महाराज से मिले। अब देखो, भगवान मित्र कैसा होना चाहिए, ये नंद बाबा और वसुदेव जी से सीखो। इस समय कितनी सुंदर चर्चा है। जब नंद बाबा पहुंचे तो नंद बाबा के हृदय में अपने लाला के जन्म की खुशी है, पर वसुदेव के 8 पुत्र समाप्त कर दिए गए यह बात को दुख है। अपने सुख की प्रशंसा नहीं, उन्हें अपने सुख की बात नहीं करी नंद बाबा वसुदेव जी से जाके। जब कोई सामने दुखी हो तो वहां अपने सुख को छिपा के उसके दुख में सम्मिलित होना चाहिए। राम जी महाराज ने कहा है रामायण में, जेन मित्र दुख होए दुखारी, तिनहिं बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख में दुखी न हो, ऐसे मित्र का तो मुख देखने में भी पाप लगता है, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। अगर अपने पास कोई दुख है तो मित्र इसको सुन के दुखी हो जाएगा, इसलिए उसे छोटा कर समझो मित्र के सामने, और मित्र का दुख छोटा है तो उसे बड़ा समझो। तो वसुदेव जी के दुख में दुखी होने के लिए मेरे घर में लाला भयो या खुशी को छिपा लियो नंद बाबा ने, पर वसुदेव जी महाराज ने भी अपने दुख को छिपा लिया। नंद बाबा के घर में पुत्र हुआ है ये तो वो जानते हैं। अरे हमने सुनी तुम्हारे घर में लाला भयो और तुम यह मथुरा में क्या कर रहे हो? देखो भैया हमें क्षमा करियो, हम बधाई में सम्मिलित नहीं है सके क्योंकि यह कंस की वजह से। हम आमते तो न जाने तुम्हारे ऊपर भी कछु विपत्ति आ जामती, जा मारे हम नहीं आ पाए, पर आप यहां क्या कर रहे हो? बोले कंस को कर चुकावे के लिए आयो हूं। वसुदेव जी बोले देखो हमें ज्योतिष को थोड़ा सो ज्ञान है, ये कंस बड़ा आतताई है, तुम्हारी ग्रह ठीक नहीं चल रही, जितनी जल्दी है सके अपने काम चले जाओ, जितनी जल्दी हो अपने घर चले जाओ। अब तो नंद बाबा को सबसे पहले अपनों का कन्हैया याद आ गयो, अरे कंस बड़ा दुष्ट है, कहूं मेरे लाला को कोई कष्ट न पहुंचा दे। जट नंद बाबा दौड़े ब्रज की ओर, और इनके पहुंचवे ते पहले कंस की भेजी भई पूतना वहां पे पहुंच गई। पूतना बड़ी विचित्र है, सुंदर है नहीं, सुंदर बन के गई है नहीं सुंदर। राम अवतार में भी एक सुंदर बन के गई थी,
और कृष्ण अवतार में भी एक सुंदर बन के आई है। राम अवतार में कौन गई थी बताओ, है कौन? सुपर्णखा। सुपर्णखा में और पूतना में, दोनों में बहुत समानता है, बहुत। वो भी नकली बन के गई थी, ये भी नकली बन के गई है। वो किसी और भाव से गई थी, ये किसी और भाव से गई है, लेकिन वहां भी राम जी ने नहीं देखा और यहां कृष्ण जी ने पूतना को नहीं देखा। जितनी भी देवियां यहां पर बैठी हैं, एक बात सीख लीजिए, स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण है लज्जा। क्या है? रामायण में प्रमाण आता है, जिम भूषण भूषण वरनारी। स्त्री कितनी भी सुंदर हो, उस पर कितने भी गहने लदे हों, अगर वस्त्र नहीं है तो वो सुंदर लग ही नहीं सकती। लज्जा लाज ये सबसे बड़ा आभूषण है देवियों का, सबसे बड़ा आभूषण। और आज आप देख रहे होंगे धीरे धीरे करके वो लाज रूपी गहना घरों से गायब हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, बता दो, माता बहन बताएंगे हो रहा है कि नहीं। आज से 25-30 साल पहले हम लोग ऐसे सर उगाड़ के बैठ सकते थे कहीं भी? सच्ची बताओ, बट देवी बत मैं आपसे पूछ रहा हूं, कह नहीं रहा आपके लिए कुछ भी। 20-25 साल पहले हम लोग क्या सर उगाड़ के कहीं बैठ सकते थे ऐसे? नहीं। वो हमारी मूर्खता नहीं थी, वो हमारी सभ्यता थी, वो हमारा संस्कार था। उस संस्कार की वजह से हमारे देवियों का अपमान उस समय ज्यादा नहीं हुआ करता था। मन चले लोग जब घूंघट की हुई स्त्रियां जाती थी तो उन पे गंदे गंदे कमेंट नहीं किया करते थे। बहुत से लोग मेरी बुराई करते हैं कि महाराज बहुत ओपन माइंडेड होकर बोलते हैं जो बोलना नहीं चाहिए। अब भाई मेरे को भेजा ही नहीं भगवान ने बटरिंग करने, तो मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर नहीं, जो आयो जा काम को बापे और न होए। भगवान ने जिस काम के लिए जिसको भेजा वो वही करेगा। पहले देवियों के ऊपर इतने अत्याचार नहीं होते थे। आपसे एक बात पूछूं, आप गोल्ड को डायमंड को कहां रखते हो, पैसे को कहां रखते हो घर में? जवाब दो, जवाब दो। आपके पास डायमंड हो, पैसा हो, सोना हो, कहां रखते हो? जवाब दीजिए। घर की चौखट पे? घर के बाहर दरवाजा है, दरवाजे के अंदर एक लॉबी सी है, लॉबी के बाद एक कमरा है, कमरे के बाद में एक लॉकर है, लॉकर में भी मतलब एक अलमारी है, अलमारी में भी एक लॉकर है, लॉकर में रख कर चाबी से लॉक करके फिर चाबी लेकर पहले अलमारी लॉक करेंगे, फिर दरवाजा लॉक करेंगे, फिर बाहर का दरवाजा लॉक करेंगे। हाँ जी कि ना जी? किस लिए? अगर ओपन माइंडेड हो तो खुला छोड़ जाओ। नहीं समझ में आएगा आप समझ लो, बेटी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि डायमंड? बहू ज्यादा महत्वपूर्ण है कि डायमंड? बोलिए ना, बोलिए। बेटी का मान सम्मान ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये गोल्ड का डायमंड? जोर 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 से जोर से। गोल्ड को रखते हो तिजोरी में और छोरी को रखते हो हॉस्टल में। हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। मैं देवी कन्याओं के फ्रीडम के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन फ्रीडम भी मायने में रहना चाहिए। जब फ्रीडम मायने से बाहर चला जाता है ना,
तो वो घातक हो जाता है, न सिर्फ मेरा विनाश करता है बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी विनाश करके चला जाता है, आने वाली पीढ़ी का विनाश करता है। अब छोड़ दीजिए अपनी बेटी को, रात के 12-1 बजे उस शहर में घूमती रहती है, अब गुंडे मिलेंगे तो वो तो छेड़ेंगे ही। क्या किसी माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं कि अपनी बेटी को कहे, बेटी रात के 1 बजे तुझे घर से बाहर नहीं जाना, 12 बजे नहीं, अंधेरा हो जाए तो घर के भीतर आ जाओ, और जब भी जाओ तो किसी के साथ जाओ कि कोई दुष्ट अगर नजर उठा के देखे तो वो उसकी आंख फोड़ दे, ऐसा भाई या पिता या पति तुम्हारे साथ होना चाहिए। लिए बाइक उठाई, कार उठाई और निकल पड़े हम खुली सड़क पे, क्या होगा? सम्मान होगा? प्लीज रिस्पेक्ट योर सेल्फ, देन यू विल बी रिस्पेक्टेबल। अपना सम्मान खुद करोगे तब तुम सम्माननीय बनोगे, जब खुद सम्मान नहीं करोगे। बेटियों का सम्मान जरूरी है, बेटियों को ये बात समझनी पड़ेगी, बहुओं को ये बात समझनी होगी, माता बहनों को ये समझनी पड़ेगी। गोल्ड चोरी हो गया तो दोबारा बन जाएगा, लेकिन बेटी का मान सम्मान चोरी हो गया तो दोबारा नहीं बन पाएगा किसी भी कीमत पे। सुपन कहां? क्यों रामायण में निंदनीय बन गई? क्योंकि लाज का आभूषण नहीं है उसके पास। सीधे जाके बोल दिया राम जी से, तुम सम पुरुष न, रामायण तो आप सबको कंठस्थ है, बोले तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संजोग विधि रचा विचारी, ये संजोग विधि रचा विचारी, ताते अब नगर रहे कुआरी, मन माना कछु तुम ही निहारी। समोसा खाए थे ना आपने बाहर बैठ के, उसी का प्रभाव। ये समोसा एक स्पेशल जगह पे पाते हैं। बंधु वो कह रही है, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई नारी नहीं, ये संजोग विधि रचा विचारी। अब स्त्री का श्रृंगार है, लाज। अब पुरुष कहे कि हमें तुम पसंद हो, वो एक अलग बात है। अब स्त्री आगे से कह दे कि हमें तुम पसंद हो, और वो भी उसकी बगल में पत्नी बैठी है, तब भी राम जी ने देखा ही नहीं उस तरफ। प्रमाण दूं? मानस की अगली चौपाई प्रमाण देती है, सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहई कुमार मोर लग। उधर चली जाओ, जैसी तुम कुंवारी हो वैसे तुम्हारे जैसा वो बैठा उधर। अब राम जी झूठ नहीं बोलते, अहई कुमार, कुमारा नहीं कहा, कुमार कहा। कुमार क्यों कहा? बोले ये भी कुंवारी थोड़ी है सी, ये जो देवी जी ये मैरिड है ऑलरेडी, इनके पति को तो इनके भाई नहीं मारा, कुंवारी बन रही है। तो राम जी समझते हैं बास अंतर्यामी है, इसलिए उन्होंने कहा जैसे तू कुंवारी है तेरा पति पास में नहीं है, वैसे लक्ष्मण है उसकी पत्नी पास में नहीं, उधर चली जा उससे बात कर, हमसे नहीं। और राम जी बता रहे हैं सुपर्णखा को और देख रहे हैं सीता मैया को। जीवन भर याद रखिए, परमात्मा माया से मोहित नहीं होता, परमात्मा तो भक्ति से ही प्रभावित होता है। परमात्मा माया को नहीं देखता, परमात्मा भक्ति को ही देखता है। भक्ति रूपी है श्री जानकी मैया, तो राम जी भक्ति को ही देख रहे हैं, सीता मैया को माया बन के आई उसे नहीं देख रहे। भगवान को रिझाना हो तो सिर्फ भक्ति करो, सिर्फ भक्ति करो। और भक्ति दिखावे का विषय नहीं है, भक्ति तुम्हारे हृदय में। बहुत से लोग कहते हैं महाराज इस बात का पता कैसे चले भक्ति है? इस बात का पता तब चलता है जब हम और आप भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो अलग से ही भक्ति प्राप्त हो ऐसी इच्छा मन में रखनी चाहिए। भगवान की कितनी भी पूजा करो, हम लोगों से अपराध होते ही हैं, इसलिए हमेशा कहते रहो आवाहन जानामि न जानामि तब अर्चनम, पूजाम चैव न जानामि क्षमताम परमेश्वरम। सब कुछ करने के बाद भी हम लोगों से कितने अपराध होते हैं,
नित्य प्रति परमात्मा से क्षमा मांग, क्षमताम परमेश्वरम, हे परमेश्वर मुझे क्षमा करो, हम अपराधी हैं, हम आपके हैं, फिर भी आप हमें स्वीकार करें, क्योंकि संसार में हमारा आपके सिवा कोई है ही नहीं। इसलिए भक्ति करने की हमेशा कोशिश करो, हमेशा भक्ति करने की कोशिश करो। भक्ति के माध्यम से परमात्मा को मनाने की, भगवान माया से प्रसन्न नहीं होते, माया से नहीं मिलेंगे, दिखावे से नहीं मिलेंगे। माया और दिखावा माधव को प्राप्त नहीं करा सकता, भक्ति ही माधव का दर्शन आपको करा सकती है। जब भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए तो समझना कि अब तुम ईश्वर से मिल सकते हो। और भक्ति सर्वम कृष्णमयम जगत का दर्शन होने लगे। भक्ति किसे कहते हैं? कृष्ण के सिवा तुम्हें कुछ दिखे ही ना, हर जगह कृष्ण ही। अपना आराध्य जो भी हो, चाहे वो आपके राम हो, चाहे शंकर भगवान हो, चाहे कोई भी आपके आराध्य, उनके सिवा आप कुछ देख ही ना पाओ। ये भक्ति की उत्कृष्ट श्रेणी है, श्रेष्ठ श्रेणी है। तो पूतना बन ठन के गई और मैया यशोदा ते कहवे लगी, अरे ओ यशोदा, नेक दरवाजो तो खोल, देख मैं बड़ी दूर ते आई हूं। तो मैया यशोदा ने पूछी, अरे तू कौन है? बोले मैं मथुरा ते आई हूं। मैं देख, यहां पे बहुत विचित्र सा भाव है। पूतना कहती, मैं मथुरा ते आई हूं, मेरे दूध में ऐसो फल है जो कोई बालक मेरे दूध को पी लेगो वो अमर है जावे। एक और भाव आता है कि पूतना कहती है कि मैं तेरे मामा की छोरी हूं। तू मेरे मामा की? अरे जब मैंने तू आज तक देखी ना है तो तू मेरे मामा की? अरे बोले हाँ हूं ना, तेरो भयो ब्याह मेरो भयो गोनो, माए पठा दे सासुरे, जा समय तेरो ब्याह भयो मैया ने मैं ससुरार भेज दे, मेरो गोनो भयो जा मारे तेरे ब्याह पे ना आई, आज तक हम मिलना है पाई, हम मामा फूफी की छोरी हैं, बहन हैं दोनों।